क्लास 11 कॉमर्स के सारे बच्चे, पिछले वीडियो में आपको बोले माल खरीदना, गुड्स परचेस करना सीखा था। और मैंने आपको वहां भी एक कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की, क्योंकि माल अलग होता है, संपत्ति अलग होती है, गुड्स अलग होता है और असेट्स अलग होती है। गुड्स माल वो वस्तु है, वो थिंग्स होती है जिससे हम जिससे बेचने के लिए बिजनेस में ला रहे हैं। और संपत्तियां असेट्स ऐसी चीजें होती है, ऐसी थिंग्स होती है जिनका हम यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए बिजनेस में ला रहे हैं। ठीक है, तो जब आप माल खरीदते हो, गुड्स परचेस करते हो, तो परचेस अकाउंट खुलता है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, और जब माल बेचते हो तो सेल्स अकाउंट खुलता है, यानी खरीदे गए गुड्स को परचेस के नाम से और बेचे गए गुड्स को सेल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज के क्वेश्चंस में, आज की एंट्रीज में हम माल नहीं खरीद रहे, हम गुड्स नहीं खरीद रहे, हम खरीद रहे हैं संपत्तियां, असेट्स, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, मोटर कार, ये सब हमारी संपत्तियां है, असेट्स। और जब हम इन्हें खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट नहीं खुलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, परचेस अकाउंट कब खुलता है? जब माल खरीदा हो, गुड्स परचेस किया हो। ओके, बताता हूं। संपत्ति खरीदते समय परचेस असेट्स, संपत्ति असेट्स हमेशा डेबिट होगी, यानी जो संपत्तियां, जो असेट्स आप खरीद के ला रहे हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे जमीन हो, लैंड हो, सारी चीजें जब भी आप खरीदोगे तो ये सारी चीजें डेबिट होगी। क्यों डेबिट होगी? क्योंकि ये वस्तुगत खाता है, रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में सारी वस्तुएं आती है, सारी थिंग्स आती है, सारी संपत्तियां आती है। और वहां रूल ये बनता है कि जो चीज हमारे पास आती है, व्हाट्स कमिंग, उसे हम डेबिट करते हैं। तो जब आप वस्तुएं खरीदोगे, असेट्स खरीदोगे, तो सारी वस्तुएं, सारी असेट्स, सारी संपत्तियां हमारे बिजनेस में आएगी और आने वाली चीज को हम डेबिट करेंगे। तो इसका ध्यान रखना कि जब भी आप संपत्ति खरीदोगे, असेट्स खरीदोगे, ठीक है, तो संपत्ति असेट्स हमेशा डेबिट होगी, क्योंकि वो हमारे पास आएगी और आने वाली चीज को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग परचेस करी, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर परचेस किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर क्रेडिट में कौन आएगा? अगर आपने नगद खरीदा है, कैश परचेस किया है, तो हमारे पास से कैश जाएगी और जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं, आने वाली चीज को डेबिट करते हैं, जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं। प्रॉपर्टी, संपत्ति, सारी चीजें आएगी, आने वाली चीज को डेबिट करेंगे और उसके बदले कैश जाएगा, कैश को क्रेडिट करेंगे। और अगर उधार खरीदी हो तो, अगर उधार खरीदी हो तो वो व्यक्ति, वो पर्सन जिससे आपने खरीदी है, वो आपको देने वाला है, गिवर है, और देने वाले को, गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। बताता हूं रूल क्या है। अगर आप संपत्ति खरीदो, परचेस असेट्स, असेट्स खरीदो, तो संपत्ति या असेट्स हमेशा डेबिट होगी। ठीक है, अगर आपने नगद खरीदी है, कैश, तो क्रेडिट में कैश आएगा, और अगर उधार खरीदी है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में वो व्यक्ति आएगा, वो पर्सन आएगा जिससे आपने खरीदी। बताता हूं कैसे। परचेस फर्नीचर, 10,000 का फर्नीचर खरीदा, अब किससे खरीदा, कुछ लिखा तो नहीं है, मतलब नगद खरीदा। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी? सपोज, सोचो, सोचो आप लोगों ने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर परचेस किया है, दो अकाउंट खुलेंगे, एक फर्नीचर का और एक पैसों का, फर्नीचर आएगा और पैसा जाएगा, तो आने वाली चीज को डेबिट करो और जाने वाली चीज को क्रेडिट करो, फर्नीचर को डेबिट करो और कैश को क्रेडिट करो। तो एंट्री क्या होगी? मान लीजिए आपका 1 जनवरी है, एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 10,000 10,000, और जो उसकी नरेशन आएगा, क्या किया आपने, फर्नीचर खरीदा, तो आप लिख दे परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश,
नगद फर्नीचर खरीदा। अब आपके लाइफ में जब भी ऐसी एंट्री देखे, आपने कोई संपत्ति खरीदी है, कोई असेट्स खरीदी है, नगद खरीदी है, कैश खरीदी है, तो आप लोग एक रूल बना ले, चाहे तो लिख ले उसको, जब भी कोई संपत्ति खरीदी जाएगी, जब भी कोई असेट्स खरीदी जाएगी, जब भी कोई वस्तु खरीदी जाएगी, जब भी कोई थिंग्स खरीदी जाएगी, परचेस अकाउंट कभी नहीं खुलेगा। परचेस अकाउंट माल खरीदने के लिए, गुड्स परचेस करने के लिए होता है, ठीक है। जब भी कोई संपत्ति खरीदोगे, जब भी कोई असेट्स खरीदोगे, वो हमारे पास आएगी और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, मतलब वो सारी खरीदी गई असेट्स, सारी खरीदी गई प्रॉपर्टी, संपत्तियां डेबिट होगी और उसके बदले में हमारे जेब से पैसा जाएगा और जाने वाले कैश को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए का भवन खरीदा, परचेज बिल्डिंग 1,00,000 रुपीज, तो बिल्डिंग आएगी और कैश जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश। मान लीजिए आपने 50,000 का कंप्यूटर खरीदा, परचेज कंप्यूटर 50,000, नगद खरीदा, कैश परचेज किया, तो एंट्री होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए आपने भवन खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल खरीदी, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए आपने एक फैन खरीदा, इलेक्ट्रिक फैन अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लीजिए आपने लोहे की अलमारी खरीदी, ठीक है, तो आयरन सेफ अकाउंट डेबिट टू कैश, लोहे की अलमारी को आयरन सेफ कहते हैं। यानी जो भी संपत्ति, जो भी असेट्स आप खरीदोगे वो हमेशा डेबिट होगी, क्योंकि वो आ रही है और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं, और उसके बदले दूसरी चीज, दूसरी थिंग्स, कैश जा रही है, जाने वाली चीज को आप क्रेडिट करोगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन क्या लिखोगे? परचेज्ड यानी खरीदा गया फर्नीचर और कैश यानी नगद, और बिल्डिंग खरीदी तो परचेज्ड बिल्डिंग फॉर कैश, कंप्यूटर खरीदा तो परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश, याद रहेगा। और अगर आप कोई संपत्ति, कोई असेट उधार खरीदते हो, अब उधार में किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी पर्सन का नाम आता है, तो भी यही एंट्री होगी, क्योंकि हमने जो चीज लाई है वो नगद हो या उधार आ रही है और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। लेकिन क्रेडिट में आप कैश नहीं आएगा, क्रेडिट में हमने जिसने वो दिया है, देने वाले का, गिवर का नाम आएगा। जैसे 5,000 की मशीन राम से खरीदी, परचेज मशीन फ्रॉम राम, यहाँ राम का नाम आया है, मतलब इस बार आपने ये मशीन उधार खरीदी है, भले ही उधार खरीदी हो लेकिन मशीन आ तो रही है, आने वाली चीज को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या हो, मशीन अकाउंट डेबिट अप टू में राम आ जाएगा, क्योंकि राम हमें वो मशीन देने वाला है। नरेशन परचेज्ड यानी खरीदा, क्या खरीदा, मशीन, नगद खरीदी तो फॉर कैश, उधार खरीदी तो ऑन क्रेडिट, 5,000 डेबिट में आएगा, 5,000 क्रेडिट में आएगा, ठीक है। इस टाइप से आप अपनी एंट्री कर सकते हो। मतलब रूल क्या बन गया कि जब भी आप संपत्तियां खरीदोगे, असेट्स खरीदोगे, परचेस अकाउंट नहीं खुलेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, माल खरीदेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो परचेस अकाउंट खुलता है, ओके। जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी, जो असेट्स आपने खरीदी है वो हमेशा डेबिट होगी, चाहे नगद खरीदी हो चाहे उधार, क्योंकि हमारे पास आ रही है। और अगर नगद खरीदी है तो कैश जाएगा टू कैश, और उधार खरीदी है तो देने वाले का नाम क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अब मैं आपसे भी एंट्री पूछता हूं, 15,000 का भवन मोहन से खरीदा, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम मोहन, आपने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग आ रही है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और वो बिल्डिंग देने वाला कौन है, मोहन, एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू मोहन। 10,000 का कंप्यूटर सोहन से खरीदा, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम सोहन, तो एंट्री क्या होगी, कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है, गिवर कौन है, सोहन। नरेशन क्या आएगा, परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, परचेज बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, क्योंकि उधार खरीदा। और अगर यही सारी चीजें नगद खरीदोगे तो भी वो चीजें डेबिट होगी, ठीक है। कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर परचेस, नगद खरीदा, कैश परचेस किया, कंप्यूटर आ रहा है, तो एंट्री होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और जाके आ रहा है कैश टू कैश। नरेशन
purchased the computer for cash. ठीक है, इसका मतलब एक लास्ट मोमेंट में मैं आपको समझा देता हूं। जब भी आप कोई संपत्ति, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदोगे, चाहे नगद खरीदी हो चाहे उधार, खरीदी गई प्रॉपर्टी, खरीदी गई संपत्ति आपके बिजनेस में आ रही है, उसे डेबिट करो जिसे आपने खरीदा है। फिर क्रेडिट किसे करोगे? अगर नगद खरीदा है, कैश परचेस किया है, तो टू कैश, क्रेडिट में कैश आ जाएगा, क्योंकि कैश जा रहा है, जाने वाली चीज को क्रेडिट करते हैं। और अगर उधार खरीदा है तो किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से खरीदा होगा, और व्यक्ति पर्सन अगर देने वाला है गिवर, उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नगद खरीदी है तो कैश क्रेडिट होगा, उधार खरीदी है तो देने वाला व्यक्ति, देने वाला पर्सन क्रेडिट होगा, लेकिन खरीदी गई संपत्ति, खरीदी गई प्रॉपर्टी हमेशा डेबिट होगी। ठीक है, और नरेशन बहुत आसान है, परचेज द फर्नीचर, परचेज द बिल्डिंग, परचेज द कंप्यूटर, परचेज द मशीन, तो लिखना ही पड़ेगा। उधार खरीदी है तो ऑन क्रेडिट, नगद खरीदी है तो फॉर कैश। ओके, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप लोगों ने कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी बेची है तो क्या होगा। नॉर्मल सी बात है, जब हम कोई संपत्ति, कोई असेट खरीद सकते हैं तो उसको जरूरत पड़ने पर बेच भी सकते हैं। ठीक है, अब मेरी एक बात ध्यान से सुन लें, जब आप माल खरीदोगे, गुड्स परचेस करोगे तो परचेस अकाउंट खुलेगा, लेकिन संपत्ति खरीदोगे, असेट्स परचेस करोगे तो वो असेट्स का अकाउंट खुलता है, जिसे हम डेबिट करते हैं। उसी प्रकार जब माल बेचते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं, तो सेल्स अकाउंट खुलता है, क्योंकि बेचे गए माल को हम सेल्स कहते हैं। लेकिन जब आप असेट्स बेचोगे, संपत्ति बेचोगे, तो फिर सेल्स अकाउंट नहीं खुलेगा, उस संपत्ति का, उस असेट्स का अकाउंट खुलेगा जो हमने बेची है। माल बेचने पर सेल्स अकाउंट खुलेगा, लेकिन संपत्ति या वस्तु या असेट बेचने पर उस वस्तु का, उस असेट का अकाउंट खुलेगा जो हमने बेची। अब रूल क्या लगेगा जरा सोचिए, आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं तो जाने वाली चीज को क्रेडिट करेंगे। संपत्ति खरीदी, असेट्स खरीदी, तो हमारे पास आएगी खरीदी गई सारी असेट, खरीदी गई सारी संपत्ति को हम डेबिट करेंगे। और अगर वही संपत्ति या वही असेट्स हम बेचेंगे तो हमारे पास आ थोड़ी रही है, अब वो हमारे बिजनेस से जा रही है, तो उन सारी संपत्तियों को, सारी असेट्स को हम क्रेडिट करेंगे। यानी जब भी आप संपत्ति, असेट बेचोगे, सेल्स करोगे, तो वो सारी संपत्ति, सारी असेट्स क्रेडिट होगी, क्योंकि वो आपके पास से जा रही है। ठीक है, बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग जा रही है, बिल्डिंग को क्रेडिट करो। मशीन बेची, मशीन जा रही है, मशीन को क्रेडिट करो। फर्नीचर बेचा, फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर को क्रेडिट करो। फिर डेबिट में क्या आएगा? अगर नगद बेचा है तो हमारे जेब में पैसा आएगा, आने वाली चीज को हम डेबिट करेंगे। और उधार बेचा है तो जिसे बेचा है वो व्यक्ति है, वो पर्सन है, और वो चीज पाने वाला है, रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट करेंगे। मींस नियम क्या बन गया, जब भी आप कोई संपत्ति, जब भी आप कोई असेट बेचोगे, ठीक है, तो जो संपत्ति, जो असेट आपने बेची वो क्रेडिट होगी। क्यों क्रेडिट होगी? क्योंकि आपके पास से जा रही है। और अगर नगद बेची है तो पैसा आ रहा है, कैश को डेबिट करो। और उधार बेची है तो जिसे बेची है वो एक व्यक्ति है, वो एक पर्सन है, और व्यक्ति पर्सन वो पाने वाला है, रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट कर दो। जैसे फर्नीचर बेचा 1000 का, सोल्ड फर्नीचर 1000। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपने ये फर्नीचर किसे बेचा है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी पर्सन का नाम आया क्या? नहीं, मतलब आपने ये नगद बेचा है। तो अब क्या होगा, आपने फर्नीचर बेचा है, नगद बेचा है, तो आप जब फर्नीचर को बेचोगे, फर्नीचर बेचा है तो हमारे जेब में पैसा आएगा और हमारा फर्नीचर बिजनेस से जाएगा, तो आने वाले चीज को हम डेबिट करेंगे, यानी कैश को डेबिट करेंगे, और जो जा रहा है फर्नीचर उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर जा रहा है, टू फर्नीचर अकाउंट 1000। नरेशन क्या किया आपने, बेचा है, बेचने को क्या कहते हैं, सोल्ड। क्या बेचा है, फर्नीचर। कैसे बेचा है, फॉर कैश, नगद। हो गया, अब इस एंट्री को समझे तो आप अपनी सारी एंट्री समझ सकते हैं। देखिए, आपने फर्नीचर बेचा है तो इसके दो प्रभाव बताए,
दो एक एक बताए हमारे पास पैसा आएगा, आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से फर्नीचर जाएगा जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं टू फर्नीचर। उसी प्रकार से बिल्डिंग बेची कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, कंप्यूटर बेचा कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। और अगर ये एंट्री आए तो भवन राम को बेचा, सोल्ड बिल्डिंग टू राम 5000, यहां आपने बिल्डिंग बेची है। तो सबसे पहली बात बिल्डिंग के बारे में सोचे, भवन के बारे में, आपके पास से आपकी बिल्डिंग जा रही है, जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं, मतलब बिल्डिंग क्रेडिट होगी। फिर डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में कैश तो आ नहीं सकता क्योंकि आपने उधार बेचा है। फिर डेबिट में वो व्यक्ति आ जाएगा, वो पर्सन आ जाएगा जो बिल्डिंग पाने वाला है, बिल्डिंग को जो रिसीव कर रहा है, पाने वाला रिसीवर, उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, मान लीजिए 1 जनवरी है, एंट्री होगी राम अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। और नरेशन क्या किया आपने, सोल्ड किया, बेचा, क्या बेचा, बिल्डिंग, कैसे बेची, ऑन क्रेडिट, उधार में, हो गया। ये आपके रूल, अब क्या रूल बन गया, जब भी आप कोई संपत्ति, जब भी आप कोई असेट बेचोगे, सेल करोगे, वो संपत्ति, वो असेट हमेशा क्रेडिट होगी। फर्नीचर बेचा, फर्नीचर क्रेडिट होगा, बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग क्रेडिट होगा, मोटरसाइकिल बेची, मोटरसाइकिल क्रेडिट होगी, कंप्यूटर बेचा, कंप्यूटर क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि हमारे पास से जा रहा है, मतलब हमेशा टू में आए। फिर डेबिट में कौन आएगा, अगर नगद बेचा है, कैश सेल्स किया है तो कैश आएगा कैश अकाउंट डेबिट, और उधार बेचा है, क्रेडिट सेल्स किया है तो जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को बेचा है वो डेबिट हो जाएगा, राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट। ओके okay?